दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये सारे लॉज जो है वो सवाल सॉल्व करने में हमारा हेल्प नहीं करता है, बट खैर हिस्टोरिकली इनका इंपॉर्टेंस था जब लोगों के मोल के बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। तो मोल के आइडिया होने के पहले जो मेन चार लॉज के बेसिस में सारे केमिकल रिएक्शन का अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वगैरह डिसाइड होता है, उस सारे चीजों के बारे में अब हम बातचीत करना चालू करेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज गिवन बाय लवोइसियर इन द ईयर 1774। क्या बोला है लवोइसियर में? उसे ये बोला, इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना मास को हम खत्म कर सकते हैं। हमारा कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज के दौरान हमारा टोटल मास जो है वो हमारा कंजर्व होने वाला है। यानी अदर वे ऑफ सेइंग इज, इफ रिएक्टेंट्स गेट completely converted to products, अगर reactant जो है वो हमारा product में पूरी तरीके से convert हो जाए तो in that case mass of a reactant will be equals to the mass of product। ठीक है, अगर रिएक्टेंट हमारा कंप्लीटली जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट पर, तो इन दैट केस जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा दैट विल बी द इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास CaCO3 सॉलिड को मैं गर्म कर रहा हूं, गर्म करने पर ये मेरा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस पर कन्वर्ट होता है। मैंने इनिशियली मेजर किया, जो जब मैंने ये 100 ग्राम लिया था तो CaO जो है वो मेरा 56 ग्राम पैदा हुआ। ठीक है, तो मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड जो होगा, क्योंकि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमारा सेम होना चाहिए, तो 100 माइनस 56 दैट विल बी इक्वल्स टू 44 ग्राम। सो दैट इज द टोटल मास ऑफ CO2 दैट इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा, लेकिन इफ रिएक्टेंट्स डू नॉट गेट कन्वर्टेड, रिएक्टेंट्स डू नॉट गेट कन्वर्टेड कंप्लीटली, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सिंपल सी बात है, इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ unreacted reactants
मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स, जितना रिएक्टेंट बच गया है मेरे पास, प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल रिएक्शन देखना चाह रहा हूं, सी सॉलिड प्लस ओ टू गैस हमें मान लो देता है CO2 गैस, हमें मान लो देता है CO2 गैस, सी सॉलिड प्लस ओ टू गैस मान लो हमें देता है CO2 गैस। ठीक है, तो मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया और साथ में लिया 40 ग्राम O2। ठीक है, मैंने ये ऑब्जर्व किया जो 44 ग्राम CO2 वॉज प्रोड्यूस्ड, ये वाले प्रोसेस में हमारा 44 ग्राम CO2 जो है वो हमारा प्रोड्यूस हुआ है। तो सिंपल सी बात है, मास ऑफ अनरिएक्टेड O2, मास ऑफ अनरिएक्टेड O2 कितना होगा? इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज 12 प्लस 40 इक्वल्स टू द मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मास तो मुझे मालूम है, तो माइनस 44 एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 8 ग्राम, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 8 ग्राम। ठीक है, ये हमारा बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन उस टाइम पे नहीं था क्योंकि लोगों को तब तक तो उस चीजों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। सो व्हाट इज द फंडामेंटल लिमिटेशन रिगार्डिंग दिस? द फंडामेंटल लिमिटेशन इज इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। वो हम जानते हैं जो आइंस्टाइन ने हमें एक फॉर्मूला दिया था, जो मास और एनर्जी हमारा हमेशा इंटर कन्वर्ट होता है, मास और एनर्जी हमेशा इंटर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का मास हमेशा रिएक्टेंट से कम ही होता है इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जो हमारा एक्स्ट्रा मास है, एक्स्ट्रा मास गोज इनटू एनर्जी। ठीक है, एक्स्ट्रा मास जो है वो हमारा एनर्जी के फॉर्मेट पे कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, So, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अब हम लोग देखते हैं इस वाले चीज को। और मैंने क्या किया, 12 ग्राम कार्बन प्लस 20 ग्राम O2 मैंने साथ में ले लिया, जो 20 ग्राम है वो मैंने साथ में ले लिया। ठीक है, produced the both of them reacted completely। ठीक है, दोनों जो है वो हमारा completely react किया, produced CO and CO2, वो कुछ CO बनाया और कुछ जो है CO2 बनाया, कितना बनाया वो अभी देखना नहीं है। 11 ग्राम ऑफ CO2 वॉज प्रोड्यूस्ड। ठीक है,
ये ऑब्जर्व किया जो 11 ग्राम CO2 जो है वो हमारा प्रोड्यूस किया था, कैलकुलेट मास ऑफ CO प्रोड्यूस्ड, CO जो है वो हमारा कितना ग्राम बनेगा, उस चीज के बारे में हमें ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर हमारा है रिएक्टेंट और यहां पर जो है वो है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के फॉर्म में जो है वो है मेरा C प्लस O2, प्रोडक्ट के फॉर्म में है CO और CO2। तो ऑब्वियस ही बात है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से मैं बोल सकता हूं मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ O2 विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ CO प्लस मास ऑफ CO2। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो यहां से मेरे पास सिंपली आ जाएगा जो CO का मास होगा 12 प्लस 20 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 21 ग्राम, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 21 ग्राम, ये हमारा कार्बन मोनोक्साइड का मास के मास जो है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। 6.3 ग्राम NaHCO3 रिएक्टेड विथ 15 ग्राम CH3COOH, मास ऑफ रेसिड्यू is equals to 18 ग्राम से, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो ध्यान देना जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना है। मास ऑफ रिएक्टेंट अगर हम ध्यान दे तो दैट इज सिंपली 21.3 ग्राम, सो दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ अनरिएक्टेड प्रोडक्ट, सॉरी अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स प्लस प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी सॉलिड चीजें बनेंगे, इस प्रोडक्ट के अंदर जो भी सॉलिड या लिक्विड चीज जो भी बनेंगे वो तो हमारा रेसिड्यू के फॉर्म में बाहर जो है वो चला जाएगा, बाकी जो मास में कमी आएगी क्योंकि CO2 जो है वो हमारा लीव कर रहा है तो उसका मास हम कंप्यूट नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट के अंदर मैं दो हिस्सा देख सकता हूं, मुझे नहीं मालूम रिएक्शन क्या है, कुछ तो सॉलिड और लिक्विड पार्ट होगा और बोला है एक CO2 पार्ट है, ये CO2 पार्ट जो है वो हमारा लीव कर जाएगा ना। अब अगर हम ध्यान दें जो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला तो हमारा रेसिड्यू है, यही वाला पार्ट तो हमारा रेसिड्यू है और इस रेसिड्यू का वजन जो है वो हम जानते हैं 18 ग्राम। तो 21.3 ग्राम का रिएक्टेंट था, बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो है मेरा 18 ग्राम। तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारा मास ऑफ CO2 होगा
that will be 21.3 minus 18, that will be equals to 3.3 ग्राम. काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें टफ क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, राइट. ओके, तो अगला पार्ट देखते हैं क्या बोला है. 1.7 ग्राम AgNO3 जो है उसको मैंने डिसॉल्व किया 100 ml वाटर में और उस पर मैंने 0.585 ग्राम NaCl ऐड किया, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया जो 1.435 ग्राम AgCl जो है वो हमारा फॉर्म हुआ है, तो मास ऑफ NaNO3 हमारा कितना होने वाला है. ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है वो बोला हुआ है, ये वाला रिएक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है वो हमें बोला गया है. तो व्हाट इज द रिएक्शन. AgNO3 प्लस NaCl गिव्स मी AgCl प्लस NaNO3. ये चीज तो हम डेफिनेटली लिख सकते हैं. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सिंपल सी बात है, हम बोल पाएंगे जो हमारा मास ऑफ AgNO3 है प्लस मास ऑफ NaCl है, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ AgCl प्लस मास ऑफ NaNO3. दैट इज व्हाट आई कैन राइट, दैट इज व्हाट आई कैन राइट. सो लेफ्ट हैंड साइड के बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो 1.7 प्लस 0.585 विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ AgCl 1.435 प्लस मास ऑफ NaNO3. तो मास ऑफ NaNO3 हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2.285 माइनस 1.435, दैट इज इक्वल्स टू 0.85 ग्राम. तो NaNO3 जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0.85 ग्राम. काफी आसान सा चीजें हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है. ओके ओके, तो अगला जो लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दैट इज गिवन बाय प्रोस्ट. उसे क्या बोला, अ केमिकल कंपाउंड, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड via same elements combined together. In fixed proportion of मास. अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय सेम एलिमेंट्स. कोई अगर एक कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट से ही बनेगा और उन पे जो मास का रेशियो होगा वो भी हमारा हमेशा फिक्स रहने वाला है. यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं H2O, चाहे मैं कैसा भी बना लूं, ऑलवेज फॉर्म्ड वाया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइनिंग इन द रेशियो 16:2. That is equals to 8:1 by mass. H2O is always formed by oxygen and hydrogen combining in the ratio 16:2, that is 8:1 by mass.
दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। मैं यहां पर हाई वाटर को किस तरीके से बना रहा हूं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमेशा ही इस रेशियो पे बनने वाला है। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, ये पूरा चीज का एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है वो है, इसके बारे में एक सोचने का ट्राई करो, वो क्या है। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन का दो नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप, एग्जाम्पल CO2 कैन बी फॉर्म्ड वाया C12 और C14। ऑक्सीजन तो हमारे पास 32 ग्राम ही होगा, तो पहले केस पे जो मास रेशियो होगा, मास रेशियो इन C12 इज 12:32, दैट इज 3:8। C12 के केस में जो मास रेशियो होगा दैट विल बी 3:8, और दूसरे केस पे जो हमारा मास रेशियो होगा इन C14 दैट विल बी 14:32, दैट विल बी 7:16। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, इट डज नॉट डील विथ आइसोटोप्स। क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, लेट्स सी। 1.08 ग्राम कॉपर को मैंने डुबा दिया HNO3 के साथ रिएक्ट होने दिया, विद अ लॉट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आई गेट 1.35 ग्राम CO2। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हमें इतना मिला। अच्छा, दूसरा एक बार रिएक्शन करवाया तो मैंने क्या किया, जो 2.3 ग्राम कॉपर ऑक्साइड उसके साथ मैंने हाइड्रोजन डाला तो मुझे 1.84 ग्राम कॉपर मिला। वी हैव टू प्रूव द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो ऑब्वियसली बात है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर और ऑक्सीजन के सहारे बनता है। तो मैं दोनों केस पर देखता हूं, 1.35 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में 1.08 ग्राम कॉपर है, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuO विल बी 1.08 डिवाइडेड बाय 1.35 इनटू 100%, एंड इफ यू कंप्यूट इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 80%। ये हमारा 80% हो जाएगा, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuO पहले वाले इंफॉर्मेशन से। तो ये वाले से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कॉपर ऑक्साइड 20%, तो रेशियो जो होगा कॉपर इज टू ऑक्सीजन दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4:1। एंड ऑन द अदर हैंड, ये वाले इंफॉर्मेशन पे अगर मैं देखूं, परसेंटेज ऑफ कॉपर इन CuO ये हमारा आ रहा है 1.84 डिवाइडेड बाय 2.3 100%, ये भी तो हमारा आ रहा है 80%। तो यहां पर भी जो हमारा रेशियो होगा दैट रेशियो विल बी इक्वल्स टू 4:1 फॉर कॉपर इज टू ऑक्सीजन। तो मैं कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना रहा हूं, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना रहा हूं, डजंट मैटर, कॉपर ऑक्साइड का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है,
वो तो हमारा हमेशा ही सेम ही रहने वाला है. ओके ओके दोस्तों, तो अगला देखते हैं. दैट इज अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, सबसे पहले उसके बारे में समझने का ट्राई करते हैं. क्या बोलता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, टू गिव टू और मोर कंपाउंड्स. दो एलिमेंट हमारा आपस में कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होके दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड जो है वो हमारा दे रहा है द डिफरेंट मासेस of an element, the different masses of an element that combines with a fixed mass of another element bear a simple ratio. जब दो एलिमेंट साथ में कंबाइन होता है जिससे कि हमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलता है, द डिफरेंट masses ऑफ एन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट का जो डिफरेंट मास होगा, जो एक दूसरा एलिमेंट के साथ फिक्स्ड अमाउंट के साथ कंबाइन हो रहा है, वो सारे आपस में एक फिक्स्ड रेशियो जो है वो हमारा बियर करेगा. द रीजन बीइंग दैट द एटम इज इनडिविजिबल, और जो हमारा एटम का मास है वो हमारा फिक्स्ड मल्टीपल्स में ही बढ़ता है. तो इसका सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं. कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव CO, CO2 एंड C3O2. ठीक है, समझ में आया? सो CO पर क्या है, 12 ग्राम कार्बन अगर मेरे साथ होता है तो साथ में 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. सिंपल सी बात है. ठीक है, अगर मैं CO2 के बारे में बात करूं तो 12 ग्राम कार्बन वो साथ में कंबाइन होगा 36 ग्राम ऑक्सीजन के साथ. और अगर मैं कार्बन सिस्क्वी ऑक्साइड यानी C3O2 के बारे में बात करूं तो 36 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ करेगा. कार्बन के मास को 12 में कन्वर्ट करके 12 ग्राम कार्बन 32/3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो सिंपल मास रेशियो जो होगा, सिंपल मास रेशियो जो होगा दैट विल बी 16:32. ऑक्सीजन का वेरिएबल मास, एक फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम के साथ ऐड हो रहा है, तो उनका जो मास रेशियो होगा दैट विल 16:32:32/3. तो 16 से डिवाइड कर दो 1:2:2:3
that is 3:6:2, and this is a simple ratio. तो कार्बन का फिक्स्ड मास के साथ ऑक्सीजन का जो मास हमारा एड हो रहा है, दे ऑलवेज बी अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो इन रिएक्ट्स विथ ओ टू टू गिव टू कंपाउंड्स ए एंड बी, ठीक है। तो ए के बारे में जब मुझे इंफॉर्मेशन मिला तो मास परसेंटेज ऑफ एसएन जो है दैट इज 78.77 और परसेंटेज ऑफ ओ जो है वो है मेरा ऑब्वियसली बचा हुआ 21.33। और कंपाउंड बी के बारे में जब मैंने देखा मास परसेंटेज ऑफ एसएन दैट इज 88.12, ऑब्वियसली ऑक्सीजन का परसेंटेज बाकी बचा हुआ होगा 11.88। तो क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल है या नहीं, वो चीज हमें देखना है, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियसली बात है हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं कंपाउंड ए के बारे में चर्चा करूं तो सिंपली मैं बोल सकता हूं जो 21.23 पार्ट ओ जो है वो हमारा कंबाइन हो रहा है 78.77 पार्ट्स ऑक्सीजन के साथ, दैट इज व्हाट आई कैन राइट। तो सिंपल सी बात है, वन पार्ट ऑफ ओ जो हमारा कंबाइन होगा 78.77 पार्ट्स ओ के साथ कंबाइन होगा एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू पार्ट्स एसएन के साथ। कंपाउंड ए में ये 3.7 पार्ट्स एसएन के साथ कंबाइन हो रहा है। अच्छा, इन सब डेटाओं पे ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन जो है वो डेफिनेटली अप्लाई कर देना, ठीक है। और जो हमारा कंपाउंड बी है, तो कंपाउंड बी के बारे में अगर मैं देखूं तो 11.88 पार्ट्स ओ हमारा कंबाइन हो रहा है 88.12 पार्ट्स एसएन के साथ। तो वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहा है, पार्ट मतलब वन ग्राम समझ सकते हो, पार्ट और मतलब इज अ ओल्ड वे ऑफ सेइंग ग्राम्स, सो डिवाइडेड बाय 11.88 पार्ट्स एसएन एंड इफ वी कंप्यूट दैट कम्स आउट टू बी, ठीक है, 7.7, ठीक है। तो मास रेशियो ऑफ एसएन दैट कंबाइंस, मास रेशियो ऑफ एसएन दैट कंबाइंस विथ वन पार्ट ऑफ ओ will be equals to 7.4:3.7, that is 2:1, so that means
इट इज अ सिंपल रेशियो. और ये डेटा से ये साबित होता है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज वैलिड. ओके, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज द लास्ट लॉ रिगार्डिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इट इज गिवन बाय रिचर्ड इन 1794. क्या बोलता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देखते हैं. व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स when two different elements combine with same mass of a third element, when two different elements combine with the same mass of a third element, the ratio in which they combine, the ratio in which they combine will be same or simple multiple of simple multiple of the ratio when they combine among themselves. When two different elements combine with same mass of a third element, the ratio in which they combine will be the same or the simple multiple of the ratio when they combine amongst themselves. मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज को बताता हूं. CH4 and CO2, ये दोनों कंपाउंड है, ठीक है, राइट. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो CH4 बनाने के दौरान 12 पार्ट कार्बन के साथ 4 पार्ट हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है. तो अगर मैं 1 पार्ट कार्बन लेता हूं तो 1/3 पार्ट हाइड्रोजन के साथ वो कंबाइन होगा. यानी एक पार्ट कार्बन के साथ 1/3 पार्ट हाइड्रोजन जो है वो हमारा कंबाइन होता है. और सिमिलरली CO2 बनाने के दौरान हम ध्यान दें, 12 पार्ट कार्बन के साथ 32 पार्ट ऑक्सीजन जो है वो हमारा कंबाइन हो रहा है. तो एक पार्ट कार्बन के साथ 32/12 पार्ट O कंबाइन होगा, ठीक है. सो यहां से मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन विल बी 1/3 और यहां पर भी 4 से काट दो इक्वल्स टू 8/3 दैट इज 1:8. सेम पार्ट ऑफ कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है दैट रेशियो इज 1:8, ठीक है. अच्छा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव H2O and H2O2. अच्छा, यहां पर अगर मैं H2O पे देखूं
हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन विल बी 2:16, दैट इज 1:8, दैट रेशियो इज बेसिकली सेम 1:8, जो यहां पर रेशियो था वहां पर भी वही आया है। अगर H2O2 लेता हूं, अगर मैं H2O2 लेता हूं तो H2O 2:32, 1:16, यानी सिंपल सी बात है, दिस वन इज अ सिंपल मल्टीपल। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा 1:16, ठीक है। तो ये चीज जो है दैट इज गिवन बाय द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कंपाउंड्स है हमारे पास अमोनिया, वाटर, अमोनिया वाटर एंड N2O3, ठीक है, समझ में। अच्छा, सबसे पहले लोगों ने अमोनिया को एनालाइज किया और अमोनिया को एनालाइज करके देखा जो 82.35% नाइट्रोजन है और बाकी 17.65% हाइड्रोजन है। पहले लोगों ने ये देखा अमोनिया में। वाटर में लोगों ने एनालाइज किया तो 88.9% ऑक्सीजन है और 11.1% हाइड्रोजन है, और लास्ट में N2O3 में लोगों ने जब एनालाइज किया तो 63.15% ऑक्सीजन है और 36.85% नाइट्रोजन है। तो सवाल ये है, डज इट प्रूव लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, Does it prove the law of reciprocal proportion? अच्छा, तो अगर मैं अमोनिया को ऑब्जर्व करूं तो वन पार्ट ऑफ एच ये हमारा कंबाइन करेगा 82.35 by 17.65 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन से, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4.67 पार्ट नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। एंड इन द केस ऑफ वाटर इफ वी ऑब्जर्व 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा कंबाइन करेगा दैट विल बी 88.9 by 11.8% पार्ट ऑक्सीजन से, एंड दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू पार्ट ऑक्सीजन, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान दें, एक पार्ट हाइड्रोजन के साथ जो हमारा कंबाइन हो रहा है, सिंपली हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन विल बी कितना जाएगा 4.67:8.01, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1:1.71, ठीक है, समझ में। अच्छा, उसके बाद क्या है, अगर हम ध्यान दें N2O3 पे तो
इतना परसेंट नाइट्रोजन इतना परसेंट ऑक्सीजन, तो वन पार्ट नाइट्रोजन जो हमारा कंबाइन होगा दैट विल बी एट अ 16.3.15 बाय 36.85 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी आल्सो 1.71. तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा N is to O 1.71. We are getting the same ratio. तो ये चार हमारा मेन इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था. बाद में गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए एक एडिशनल लॉ जो है वो इसके साथ इंक्लूड किया जाता है, दैट इज द गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स. ठीक है, वो बाद में ऐड किया जाता है. जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मेन चार है वो तो मैंने यहां पर करवा दिया हूं. बाद में जो गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए एक स्पेशल लॉ हम और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. लेट्स सी. ओके, तो गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या बोलता है? वो ये बोलता है जो व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड, when gases combine or produced in a chemical reaction, ठीक है, when gases combine and produce in a chemical reaction, they do so in simple ratio of their volumes at same pressure and temperature. ठीक है, when gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio of their volumes at same pressure and temperature. For example, अगर मान लो हमारा H2 gas plus half O2 gas हमें दे रहा है H2O लिक्विड, तो सिंपल सी बात है, एट STP 22.4 लीटर H2 हमेशा कंबाइन होगा 11.2 लीटर O2 के साथ. तो रेशियो जो होगा दैट रेशियो विल बी अ सिंपल वन, दैट रेशियो विल बी सिंपली 2:1. इट्स अ सिंपल रेशियो. तो दोस्तों, विथ दैट ऑल द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैज बीन टॉट. क्वेश्चन सॉल्विंग में इनका कोई काम नहीं है. लॉज जो है वो हमें याद रखना है. क्वेश्चंस आ सकता है जो ये डेटा है वो किस चीज को शो करता है, बताओ इनमें से कौन सा लॉ को शो करता है, बस उसी में ये काम आएगा. लेकिन अब हम लोग मोल सीख जाने के बाद ये सारे जो लॉज है दे आर कंप्लीटली रिडंडेंट, इनकी कोई जरूरत हम क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान नहीं यूज करने वाले हैं. ओके?